हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तो भाई मुझे पता है आप लोगों की गुड मॉर्निंग काफ़ी बेकार हो गई होगी, क्योंकि यहाँ पर फ्री फायर बैन हो चुका है। ठीक है, अभी देखो बैन हुआ है या फिर क्या हुआ है, इसके साथ क्या लोचा हुआ है, मैं आपको टोटली एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। क्योंकि देखो यहाँ पर पबजी और फ्री फायर के बीच में काफ़ी ज़्यादा लोचा बढ़ गया है, एंड ये किस वजह से हुआ है, कैसे हुआ है, टोटली आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। ठीक है, एंड अभी आप देख सकते हो मेरा फ्री फायर ओपन है, एंड मेरे फ्रेंड लिस्ट में भी कई सारे बंदे खेल रहे हैं। ठीक है ना, अभी मैं बता रहा हूँ किन सब लोगों का फ्री फायर ओपन हो रहा है एंड किन लोगों का फ्री फायर नहीं ओपन हो रहा है। ठीक है, तो यार देखो प्रॉब्लम कुछ ऐसी है ना कि मतलब कैप्टन वाले आपको पता है पहले ही से एलिगेशन लगा रहे हैं फ्री फायर के ऊपर कि मतलब तुमने मेरी ये चीज़ कॉपी की है, तुमने मेरी वो चीज़ कॉपी कर रखी है। आपको पता होगा क्या क्या कॉपी है, ठीक ना, पैरासूट वगैरह ये सब जो भी है, जंपिंग स्टाइल वगैरह जो भी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, डबल वेक्टर वगैरह, सो गाइस यही सब इश्यूज़ को लेकर के ये सब हुआ है, और कुछ लोग बता रहे हैं टेक्निकली ग्लिच है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे क्या है। ठीक है, अभी देखो अभी प्रॉब्लम ये है ना कि अभी सिर्फ एयरटेल वाले ही बैन किए, ठीक है ना, एंड अगर आप यहाँ पर प्ले स्टोर में भी जाकर के सर्च करोगे फ्री फायर, ठीक है ना, तो वो भी आपको नहीं दिखेगा। ठीक है ना, यहाँ पर मैं देखो यहाँ पर फ्री फायर जैसे ही लिख रहा हूँ, यहाँ पर देखो आपको ऐसा कोई भी फ्री फायर का गेम नहीं दिखेगा। ठीक है ना, सिर्फ आपको फ्री फायर मैक्स ही दिखेगा। ठीक है, तो कुल मिला जुला करके बात यही है कि अभी एयरटेल नेटवर्क से फ्री फायर नहीं ओपन हो रहा है। ठीक है ना, एंड अगर आपके पास जियो सिम है तो आप उसे ट्राई कर सकते हो, उससे डेफिनेटली ओपन हो जाएगा। एंड कुछ लोग बता रहे हैं कि फ्री फायर जियो सिम से भी ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। ठीक है ना, तो यार देखो ये सब कुल मिला करके अभी बैन वगैरह का ऐसा कोई इशू नहीं है, अभी कोई गवर्नमेंट ऐसा मतलब नोटिस वगैरह जारी नहीं किया है। आपको पता होगा जब टिकटॉक वगैरह बैन होना था तो मतलब एक दो महीने पहले से ही, मतलब ये पबजी वगैरह जब बैन होना था लिस्ट जारी हो गई थी। ठीक है ना, छोड़ो अगर लिस्ट नहीं भी जारी हुई है तो भी कोई बात नहीं, बट हमें एक नोटिस तो मिलना चाहिए। ठीक है ना, कुल मिला करके अभी देखो ऐप स्टोर से भी गायब है, यानी कि एप्पल के ऐप स्टोर से भी गायब है, एंड प्ले स्टोर से तो मैंने आपको दिखाई है गायब हो गया है। ठीक है, अब देखो कुल मिलाकर के मेरा ओपिनियन अगर आप जाना चाहोगे ना, तो मैं भाई यही बोलूंगा कि ये टेक्निकली ग्लिच है। ठीक है ना, ऐसा कोई इशू नहीं है, अभी फ्री फायर वगैरह बैन वगैरह का ऐसा कोई इशू नहीं है। कुल मिला जुला करके अगर आपके पास फ्री फायर मैक्स है तो आप उसे भी ट्राई कर लो, हो सकता है एयरटेल के सिम से ओपन हो जाए, एंड अगर नहीं ओपन हो रहा है तो आप किसी जियो का मतलब जियो के वाईफाई से कनेक्ट हो जाओ, ठीक है ना, उससे आप खेल सकोगे। बट अभी देखो अभी तो ऐसा कोई इशू नहीं है। हाँ, कमेंट में बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि फ्री फायर ओपन नहीं हो रहा है, नेटवर्क एरर बता रहा है, बट मेरे में तो अभी तक ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि मेरे पास फ्री फायर भी है एंड फ्री फायर मैक्स भी है। ठीक है ना, दोनों से ट्राई किया हूँ, दोनों से ओपन हो गया है। अभी बात करें एयरटेल की, तो देखो यार अभी मेरे पास एयरटेल नहीं है, मेरे पास जियो, तो मैं जियो से ट्राई कर रहा हूँ, ओपन हो रहा है। एंड देखो ये प्रॉब्लम कब से हुई है, देखो यहाँ पर जैसे ही बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ा ना, क्या नाम इसका, गोल्ड रॉयल का, ठीक है ना, सॉरी गोल्ड ड्रॉ का, ठीक है ना, तो इसमें आपको पता होगा सर्वर बिजी वगैरह दे रहा था, तो ये सब गाइज इसी वजह से शायद हो रहा है। एंड पबजी वालों ने बहुत सारा एलिगेशन लगाया है, उसको अभी बाद में देखेंगे, ठीक है ना, क्या क्या एलिगेशन है, कैसे कैसे क्यों लगा रहा है। एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि ट्राई के मुताबिक अभी एयरटेल ने ही क्यों बैन किया है। ठीक है ना, अभी अगर एयरटेल बैन किया है तो सबको बैन करना चाहिए, तो कुल मिलाकर के अभी जियो को भी बैन करना चाहिए, बट यार अभी जियो बैन नहीं किया है। ठीक है ना, ऐसा कोई नोटिस भी नहीं आया है। फिलहाल के लिए आप जियो सिम से ट्राई करो, उससे ओपन हो जाएगा, खेलो आप दबा करके, ठीक है ना, टेंशन वगैरह मत लो। अगर देखो बैन भी होगा तो भी आएगा, मतलब जैसे पबजी आया एक दो साल बाद, मैं नहीं चाहता हूँ कि बैन हो जाए, ठीक है ना, बट टिकटॉक देखो अभी तक नहीं आया। चलो छोड़ो ये सब बातें, बाकी आपको क्या लगता है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ ताकि उसको भी पता चल जाए, सब्सक्राइब कर लेना गाइस, क्योंकि अभी आपको ऐसी बहुत सारी न्यूज़ मिलनी बाकी है। अभी बस हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।